महाराष्ट्र के सियासी संकट को लेकर मुंबई सूरत गुवाहाटी में जबरदस्त हलचल है। दो और बाकी विधायक मंगेश और दीपक गुवाहाटी के होटल पहुंच चुके हैं। महाराष्ट्र का सियासी संकट और गहराया। शिवसेना में विधायकों की टूट जारी। एकनाथ शिंदे खेमे का अब तक 48 विधायकों के समर्थन का दावा। गुवाहाटी के रेडिसन ब्लू होटल के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। स्थानीय पुलिस के साथ एसआरपी की टुकड़ी भी यहां तैनात कर दी गई। सूत्रों के मुताबिक एकनाथ शिंदे आज राज्यपाल को चिट्ठी भेजेंगे। चिट्ठी में 40 विधायकों के समर्थन का दावा है। सूत्रों के मुताबिक वो पार्टी सिंबल पर दावा कर सकते हैं। उद्धव ठाकरे आज सुबह 11:30 बजे शिवसेना के बड़े नेताओं के साथ बैठक करेंगे। आगे की रणनीति पर चर्चा। महाराष्ट्र में सियासी बवाल के बीच एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने बुलाई पार्टी विधायकों की बैठक। आज यशवंतराव चव्हाण सेंटर में होगी मीटिंग। एनसीपी नेता छगन भुजबल ने कहा सरकार मजबूती के साथ काम कर रही है। बगावत शिवसेना का अंदरूनी मामला। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के घर देर रात हुई बैठक में एनसीपी के बड़े नेता शामिल। सूत्रों के मुताबिक एनसीपी को शक है शिवसेना में उथल पुथल के पीछे पार्टी के बड़े नेता का हाथ। थाने के मीरा भयंदर में बालासाहेब ठाकरे के साथ एकनाथ शिंदे की तस्वीर वाले पोस्टर्स लगाए गए। शिंदे के गुरु आनंद दिघे भी तस्वीर में मौजूद। उद्धव और आदित्य ठाकरे का चेहरा हटा दिया गया। उद्धव ठाकरे ने पार्टी बचाने के लिए चला इमोशनल दाव। सीएम आवास छोड़कर मातोश्री में शिफ्ट। वर्षा बंगला से मातोश्री तक मुंबई की सड़कों पर उद्धव समर्थकों का शक्ति प्रदर्शन। शिवसेना के बागी विधायक एकनाथ शिंदे को बीजेपी से मिला डिप्टी सीएम बनने का ऑफर। गुवाहाटी में शिंदे के साथ 38 विधायक। सूत्रों के मुताबिक 9 और विधायक एकनाथ शिंदे के समर्थन में आ सकते हैं। सियासी उठापटक के बीच महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मुंबई पुलिस अलर्ट है। गृह विभाग ने किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए। सियासी घमासान के बीच सीएम उद्धव ठाकरे ने फेसबुक के जरिए महाराष्ट्र की जनता को संबोधित किया। इस्तीफे के सवाल पर बोले मेरे सामने आइए मैं इस्तीफा देने को तैयार। दोन्ही पद सोडायला तयार आहे पण मी मुख्यमंत्री पद सोडल्यानंतर जर शिवसेनेचा मुख्यमंत्री होत असेल मला आनंदाने मान्य आहे। एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के संबोधन के बाद ट्वीट कर जवाब दिया। कहा कांग्रेस और एनसीपी का साथ छोड़िए। गठबंधन का फायदा सिर्फ दूसरे दलों को मिला। शिव सैनिकों को तो नुकसान हुआ। गुवाहाटी में मौजूद एकनाथ शिंदे ने ट्वीट कर उद्धव ठाकरे का ऑफर ठुकरा दिया है। कहा बेमेल गठबंधन से निकलने का वक्त है। उद्धव ने इस्तीफा देने और शिव सैनिक को ही सीएम बनाने का ऑफर दिया था। महाराष्ट्र के सियासी संकट पर सीएम उद्धव ठाकरे एनसीपी प्रमुख शरद पवार के बीच करीब एक घंटे तक महामंथन। सूत्रों के मुताबिक पवार ने एकनाथ शिंदे को सीएम बनाने की सलाह दी। उद्धव ठाकरे की जगह एकनाथ शिंदे को सीएम बनाने के लिए कांग्रेस भी तैयार। महाराष्ट्र के कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने एबीपी न्यूज से कहा पार्टी को कोई ऐतराज नहीं। सियासी संकट के बीच शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने हुंकार भरी। कहा उद्धव ठाकरे सीएम पद से नहीं देंगे इस्तीफा। विधानसभा में साबित करेंगे बहुमत। गुवाहाटी के रेडिसन होटल से एकनाथ शिंदे की नई तस्वीर भी सामने आ गई। समर्थक विधायकों के साथ मीटिंग करते देखे। सूत्रों के मुताबिक गुवाहाटी में बीजेपी नेताओं से भी चर्चा। सरकार पर संकट के बीच दो गुटों के समर्थकों का शक्ति प्रदर्शन। मुंबई में वर्षा बंगले के बाहर शिवसैनिकों ने उद्धव के समर्थन में नारे लगाए। एकनाथ शिंदे के गढ़ थाने में शिंदे के समर्थन में रैली। पोस्टर्स पर लिखा वी सपोर्ट एकनाथ शिंदे। एबीपी न्यूज एक्सक्लूसिव बातचीत में एकनाथ शिंदे ने नहीं माना उद्धव ठाकरे को अपना नेता। सवाल पूछने पर फोन काट दिया। बीजेपी नेता उमा भारती का उद्धव ठाकरे पर तंज। कहा सड़ा हुआ फल टूटा है। ये बालासाहेब ठाकरे की शिवसेना बिल्कुल नहीं थी। ये तो कांग्रेस वाली शिवसेना है। महाराष्ट्र में सियासी संकट को लेकर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का बीजेपी पर तंज। कहा बीजेपी में जाकर सब फेयर एंड लवली हो जाते हैं।
क्योंकि उसकी पृष्ठभूमि कांग्रेस की थी, कांग्रेस के पहले विधायक थी, इस कारण से उसको मौका नहीं मिला। बगावत के बीच शिवसेना विधायक नितिन देशमुख एकनाथ शिंदे के गुट से बाहर निकले, गुवाहाटी जाने की बजाय सूरत से नागपुर पहुंच गए, कहा मुझे जबरदस्ती बंधक बना रखा था। वहाँ ऐसा एक नाटक रचा है कि मेरे को अटैक आ गया, उन्होंने ऐसा संदेश ही दिया, लेकिन अटैक आने का कारण बता के कुछ तो भी मेरे बॉडी पे प्रक्रिया करना चाहते थे यानी मेरा घात करना चाहते थे। देश के 6 राज्यों में 3 लोकसभा 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी, यूपी के आजमगढ़ में सुबह 9 बजे तक 9%, रामपुर में 7% से ज्यादा मतदान। दिल्ली के राजेंद्र नगर विधानसभा सीट पर मतदान जारी, आपके विधायक राघव चड्ढा के राज्यसभा सांसद चुने जाने के बाद खाली हुई सीट, सुबह 9 बजे तक 5% मतदान। दिल्ली में पीएम मोदी आज वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के नए परिसर वाणिज्य भवन का उद्घाटन और एक्सपोर्ट पोर्टल की शुरुआत करेंगे, पोर्टल पर विदेश व्यापार से जुड़ी सभी जानकारियां उपलब्ध। देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन की अगुवाई में भारतीय डेलीगेशन आज श्रीलंका जाएगा, कोलंबो में श्रीलंका के आर्थिक संकट का आकलन और वित्तीय सहायता पर चर्चा होगी। इंजीनियरिंग में दाखिले के लिए जेईई मेन परीक्षा आज से शुरू, 29 जून तक चलेगी परीक्षा, देश में 501 और देश से बाहर कुल 22 सेंटर्स बनाए गए। नेशनल हेराल्ड केस पर राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के खिलाफ कल भी कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, जंतर मंतर की जगह कांग्रेस दफ्तर पर धरना, प्रियंका गांधी भी मौजूद रही, राहुल से अब तक ईडी सवाल जवाब कर चुका। कांग्रेस के सत्याग्रह में ईडी की पूछताछ पर बोले राहुल गांधी, कहा मुझसे पूछताछ करने वाले थक गए लेकिन मैं नहीं थका, कांग्रेस को दबाया नहीं जा सकता। एनडीए के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का समर्थन, विपक्ष के प्रत्याशी यशवंत सिन्हा से होगा मुकाबला, 25 जुलाई को खत्म हो रहा है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल। राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को जेड प्लस सुरक्षा दे दी गई है, ओडिशा की बड़ी आदिवासी चेहरा द्रौपदी मुर्मू झारखंड की राज्यपाल रह चुकी है। विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत में कहा जीत की उम्मीद लेकर मैदान में हूं, जेडीयू और बीजेपी से भी बात करूंगा। किन लोगों से आप बात करेंगे? इसके लिए अच्छा बात करेंगे, बीजेपी के लोगों से एक बात करेंगे। जेडीयू से कोई बात हुई है? अभी नहीं हुई है, होगी। लखनऊ में सीएम योगी ने अपने आवास पर बोर्ड परीक्षा के 10 टॉपर बच्चों से मुलाकात की, बातचीत के दौरान छात्रों को जीवन में सफलता के मंत्र दिए, कहा लंबे समय तक देश सेवा को लक्ष्य बनाएं। बिहार में अग्निपथ पर सियासत जारी, पटना में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की अगुवाई में विधायकों ने विधानसभा से राजभवन तक मार्च किया, योजना वापस देने की मांग। अग्निपथ योजना को लेकर राहुल गांधी का सरकार पर निशाना, कहा सेना के साथ धोखा कर रही है सरकार, अग्निपथ योजना को वापस देने की मांग को लेकर 27 जून को कांग्रेस का प्रदर्शन। तेलंगाना में नक्सलियों की भर्ती मामले की जांच में जुटा एनआईए, हैदराबाद में 3 जगहों पर एनआईए के छापे। बिहार के रोहतास में शहीद जवान धर्मेंद्र कुमार का हुआ अंतिम संस्कार, अंतिम विदाई देने उमड़ा जन सैलाब, ओडिशा के नक्सली हमले में शहीद हुए थे धर्मेंद्र। शहर अंग्रेजी लगे हैं। गुड़िया सिटी।
कसूर है। आपको पता होगा हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम। बाबा ने भेजा है। कम हियर। क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहां तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP News, आपको रखे आगे।